नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। अस्त हो गया जादू जगत का एक महान सितारा। जादू जगत के सहनसा हर दिल अजीज ओपी शर्मा जी नहीं रहे हमारे बीच। ओपी शर्मा एक ऐसा नाम है जो जादू कला प्रेमी के दिलों पे दशकों से छाया हुआ है। उनका यूं अलविदा कहना जादूगर बिरादरी और उनके फैंस को रुला गया। उनसे जुड़े लोगों की आंखों के आंसू रुक नहीं रहे। उनके निधन को अपूर्णित क्षति बताते हुए ऑल इंडिया मैजिकल फाउंडेशन के अध्यक्ष जादूगर आनंद, मायावी दुनिया पत्रिका के संपादक जादूगर राय, शिव कुमार, प्रसिद्ध जादूगर केसी पांडे, राजकुमार, जादूगर शंकर सम्राट, जादूगर सिकंदर, जादूगर अजूबा, एस कुमार, शुक्ला सरकार, अनेक जादू संस्थाएं और विश्व की सबसे बड़ी जादूगरों की डायरेक्टरी के संपादक मदन भारती ने गमगीन आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे भाईचारा के नायक थे। लोगों से उनका सहज सरल भाव से मिलना उनके व्यक्तित्व का हिस्सा रहा है। आज देश गम में है। कला में दशकों तक सफलता शोहरत की बुलंदियों पर रहते हुए समाज सेवा और राजनीति में भी उनका योगदान रहा है। वे हर किसी की मदद के लिए तत्पर रहा करते थे। सभी को आदर देना और कला हित में सदैव प्रयासरत रहना उनकी खासियत थी। जादू समाज के लोग उन्हें मसीहा का दर्जा दे रहे हैं और आज वे मसीहा भले पंच तत्व में विलीन हो गए हों पर लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। जादू लेखक मदन भारती कहते हैं कि वे आज़ादी के बाद एक ऐसा सितारा थे जिनके भाईचारे और कला के प्रति समर्पण को लोग कभी भूल नहीं सकते। सदियां गुजरती रहेगी, वो कला प्रेमियों के दिल में जीवित रहेंगे। एजेटीवी न्यूज़ के एडिटर एंड चीफ अतुल जोशी ने भी उनके निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि जादू जगत ने अपने राजा को खो दिया है, एक महान सितारा को खो दिया है। अरे अभी हम घाट पर हैं। आत्मा को और नुकसान पहुंचा।